चालू कर दिया, यहाँ जमावड़ा नहीं होने देते, अलाउड नहीं है। वैसे भी ये कोरोना टाइम जब से हुआ है तब से ही मना कर रहे हैं ये तो। यहाँ तो क्या पुलिस का फोटो शूट चल रहा है भाई, वहाँ पुलिस आम आदमी को भगा रही है और यहाँ तो फोटो वोटो खींची जा रही है भाई। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लड़ आए अपने नए एपिसोड के साथ और आज हम लोग जा रहे हैं बैरागढ़। तो बैरागढ़ इज़ वे फार, मतलब मैं बिल्कुल कोने में रहता हूँ और बैरागढ़ बिल्कुल कोने में। तो अब अपन ट्रैफिक लाइट पे आ गए हैं, रुक गए हैं कुछ देर के लिए। अब यहाँ से जाने में तो अपन को बहुत टाइम लगेगा यार, बैरागढ़ अराउंड 25-30 किलोमीटर है। तो देखते हैं, अभी 4 बजने में 6 मिनट और बचे हैं, तो 4:04 दिखा रहा है वो, लेकिन वो सही नहीं है, 10 मिनट आगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा और कितना जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, ऐसा ना हो कि फ़ोटोशूट कैंसिल होना पड़े, करना पड़े अपन को बारिश की वजह से। तो लेट्स सी। आएंगे सब शाम को चाय वाय पी के वापस अपने काम पे, बैक टू वर्क। क्या रिएक्शन रहते हैं लोगों के, उनको देखा उन्होंने मास्क उतार लिया भाई, मतलब देख रहे हो आप रिएक्शन, मास्क उतार के ऐसे देखने लग गए कि कौन सी गाड़ी है। और आज अपन फुल किट में निकले हैं ना यार, तो अरे यार बारिश के टाइम पे जैकेट निकालने की इच्छा भी नहीं होती सही बताऊँ तो, क्योंकि जैकेट पूरी गीली हो जाती है तो फिर वो सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से जैकेट नहीं निकालता मैं। और थोड़ा लंबा जाता हूँ तो ही निकालता हूँ, यहीं आसपास घूम रहा हूँ तो जैकेट नहीं पहनता मैं। तो अभी थोड़ा लंबा जा रहे हैं फिर भी अपन 20-25 किलोमीटर, नहीं तो अपन अपने 10 किलोमीटर के अंदर के एरिया में रहते हैं। बट ठीक है, आज लंबा जा रहे हैं तो अपन ने जैकेट निकाल ली, मज़ा आएगा आज। एक तो जैकेट से जो कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, वो अलग लेवल का होता है, मतलब यू कैन नॉट मैच दैट। अगर एक आदमी है जो बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा है, उसको जो कॉन्फिडेंस है मान लो 60% है, तो हेलमेट और गियर्स पहनने के बाद उसको टोटल 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ हो भी जाता है तो ये बचा लेंगे। मतलब वो ऐसे करना नहीं चाहिए ऐसी उठपटांग हरकत, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आर्मर के बाद बहुत बहुत अपने अंदर से ही एक डर खत्म हो जाता है। सीटें आने लग गए बारिश के, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है पता नहीं क्यों, 3-4 चीज़ें ऐसी हुई ना इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होने लग गया। एक तो ये बारिश नहीं मान रही है, अलग देखो धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है यार, चीटें आ रहे हैं यार, धूप भी निकल रही है चीटें भी आ रहे हैं, बारिश ही नहीं मान रही है अलग। चलो इस साइड से चल देते हैं आज। अब अपन आ गए हैं, कहाँ आ गए, ये तीन महाराज चौराहा पे, मैं तो जवाहर चौक नाम से जानता हूँ ये एरिया, शायद ये जवाहर चौक ही है, जवाहर चौक आगे वाला है शायद। हाँ ये देखो, अच्छा PNT चौराहा है ये, ओके सॉरी। देखो अब अपन ने यहाँ तक आ गए अपन, कहाँ पे
भारत माता कह रहा, भारत माता की जय, जय श्री राम। चलो, ये रोड बहुत सनन बनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बारिश के छींटे भी आ रहे हैं और कुछ कह नहीं सकते कहाँ गड्ढा हो गया हो। पहले आए थे अपन बहुत पहले इस रोड पे, तो धीरे ही चलाते हैं तो ठीक है। वो देखो इंडियन फ्लैग कितना खूबसूरत लगता है हमेशा ही। ये एरिया काफ़ी अच्छा है, सुकून भरा एरिया है, मतलब यहाँ चलाने में अलग मज़ा आता है भाई। और नीचे देखो पूरी बसावट है, यहाँ पे नीचे साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ये अपना इंडियन फ्लैग, पूरी चलो यार, अब साइड नहीं ले रहा नगर निगम भोपाल से, फिर आराम से चल लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग अंडे चलाते हैं भाई, ये इनका खुद का ट्रक तो रहता नहीं है, सरकारी रहता है, तो उतर के भागना है बस, और कुछ नहीं है। कितनी सारी एक्सीडेंट देखे हैं अपन ने ऐसे वाले, देखे होंगे तुमने भी, कि ट्रक का या बस का ड्राइवर उतर के भाग गया, ड्राइवर की तलाश कर रही पुलिस, ऐसी न्यूज़ें आती है फिर, इसलिए रहने दो, आराम से चला लेते हैं। वो अकेला ही पूरी रोड घेर के चल रहा है, वो अब उड़ाएगा सीट है। एक तो उसमें पता नहीं बीच में क्या कपड़ा वपड़ा लग गया, वो देखो उसके टायर के बीच में देखो एक कपड़ा घूम रहा है, और इस साइड नहीं घूम रहा है, वो उसी साइड घूम रहा है, मतलब भाई अलग ही पोछा लगाते हुए चल रहा है वो, इसलिए उसके पीछे मत चलो, वो उड़ा रहा है भाई, वो पानी बिल्कुल भिगो के। पॉलीटेक्निक चौराहे पे आ गए अपन, लटका के उस साइड, मतलब वहाँ पे पानी अभी देखो कितनी ऊपर तक है, पहले पानी नहीं था तो पूरे खाई जैसा था, तो सोचो आप। खैर वो पता नहीं हम लोगों ने क्यों करते थे ऐसी हरकतें, बट हम लोग वहाँ बैठे रहते थे रात भर, तो इट इज़ नॉट सेफ गाइस, नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें, बट ये कि हम करते थे, मेरे को याद आया तो मैंने बोला बता दूँ, कहीं UPSC के एग्ज़ाम में ना आ जाए तुम्हारे। तो राजा भोज की मूर्ति अपनी बढ़िया लगती है यार, हमेशा जब जब यहाँ हो तो तब तब एक अलग फीलिंग आती है। अच्छा ये यहाँ से बगार है, स्कूटर चालू कर दिया, यहाँ जमावड़ा नहीं होने देते, अलाउड नहीं है, वैसे भी ये कोरोना टाइम जब से हुआ है तब से ही मना कर रहे हैं ये। तो यहाँ तो क्या पुलिस का फोटो शूट चल रहा है भाई, वहाँ पुलिस आम आदमी को भगा रही है और यहाँ तो फोटो वोटो खींची जा रही है भाई, एक नंबर भाई। नहीं भाई कुछ तो चीज़ें सही है भाई पुलिस की लाइफ की भी, खैर उनको भी यार टाइम नहीं मिलता यार, कभी कभार तो आते हैं, और हो सकता है यहाँ पोस्टिंग वगैरह हुई हो
तो क्या होता है जब पोस्टिंग कहीं और होती है तो एक्साइटमेंट भी रहता है लाइफ में कि यार यहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी है, यहाँ तो आई हूँ या आया हूँ, तो वो सही लगता है। करने तो भाई सबको, मस्ती करने तो, इन्जॉय करने तो लाइफ को, एक ही तो लाइफ है यार, कब तक रूल्स फॉलो करोगे। हाँ, कुछ रूल्स जिससे दूसरों को नुकसान होता है वो तो भाई फॉलो करना पड़ता है, जिससे मतलब नुकसान ना हो किसी और को, तो बाकी है कि मस्ती करो, मज़े करो ज़िंदगी में, और क्या। बारिश के छींटे ख़त्म नहीं हो रहे यार, अभी तक बारिश आ रही है। मौसम बड़ा बेईमान है, बहुत बेईमान मौसम हो रहा है आज। देखो कहीं बादल है, कहीं धूप निकल रही थी, कहीं बारिश हो रही है। बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही है जब से आ रहे हैं, लेकिन हाँ मज़ेदार है मौसम, ये है रोमांटिक मौसम, रोमांटिक। तो भाई अपनी अपनी गर्लफ्रेंड 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 के साथ टाइम बिताओ। तीन बार बोला समझ गए होंगे। चलो अब अपन पहुंच गए ऑलमोस्ट वीआईपी रोड, तो है अपन मतलब वीआईपी रोड पे तो है ही, बट ये है कि अपन ऑलमोस्ट कहाँ पहुंच गए, बैरागढ़। मतलब 10 पूरा प्रॉपर बैरागढ़ नहीं, 10% तो बचा है अभी, 10-12%। अभी ये वीआईपी रोड ही बहुत लंबी है यार, लगता है कि बहुत छोटी मोटी है, बहुत लंबी चौड़ी रोड है। पहले तो ये रोड सनन थी भाई, सनन मतलब मक्खन, ऐसे मक्खन डाल दो तो ये यहाँ से मक्खन उधर पहुँच जाए, ऐसी रोड थी। ये भोपाल वालों की है ये हरकत है, ऐसे ऊट पटांग बात करते हैं ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं भाई लंबी लंबी। नहीं सही में भाई यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे एक दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे बोला कि यार, मैंने बोला लेट क्यों हो गया बे, तो बोलता अरे भाई यार वो आते आते मैं लेट हो गया, क्या हो गया था एक मैं सिगरेट पी रहा था और सिगरेट फेंक दी तो पेट्रोल पम्प जल गया, तो यार वहाँ आग वाग बुझवाई, अभी 4 थे अपने पेट्रोल पम्प, अब 3 बचे हैं। तो मतलब अपन को पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आता है सुनने में कि हाँ सही है, बोल 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 तू बोल। तो वही वही चीज़ है, ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं हमारे यहाँ पे लोग। तो मक्खन से मतलब है कि ये रोड बहुत अच्छी थी, तो मतलब आप जब एक बार तेज चला रहे हो तो भाई फिर बहुत सनन निकलते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पैचेस बन गए, उबड़ खाबड़ चीज़ें हो गई, रोड उबड़ खाबड़ हो गई, तो तब से तो डर ही लगता है कि यहाँ मत ही चलाओ तेज यार। ये क्लियर हो जाए उसके बाद थोड़ी सी स्पीडिंग करेंगे। ये चालान भेज देते हैं यार यहाँ पे, मेरे कार का आया है चालान। भाई को पिक करना पड़ेगा, ये क्या भाई उड़ान बना के रखी है इन लोगों ने, उड़ने के लिए व्यवस्था है उत्तम, यहाँ से ऐसे टेक ऑफ कर जाओ। प्राइवेट एरोप्लेन, क्या तो सेक्सी लग रहा है। मतलब आज तक बड़े तो नहीं हो पाए भाई अपन, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये चीज समझो ना आप, एरोप्लेन देख के जो खुशी मिलती है दिल को, अलग ही होती है भाई, अलग ही। आज भी एरोप्लेन देख के, ओ मैं एरोप्लेन देख उड़ रहा है, देख 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 वाली फीलिंग आती है।